अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग MCM 304 का लेसन नंबर 12 शुरू करते हैं कि पाकिस्तान टुवर्ड्स प्रेस फ्रीडम, उसके बाद कैसे पाकिस्तान जो है ना प्रेस की फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ा। तो फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन पाकिस्तान में कब हुआ, आना शुरू हुआ, जैसे कि जब केयर टेकिंग गवर्नमेंट या अराइवल हुआ, जो कि कब हुआ, जो कि भावलपुर में जब हमारी ट्रेजेडी हो गई थी, जनरल जया का प्लेन क्रैश हो गया था 1988 में, तो फिर केयर टेकिंग गवर्नमेंट आ गई। जो कि दुनिया थी वो ग्लोबल विलेज की तरफ मूव ऑन हो रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अब दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है तो हमें सब पता होता है। हम लोग एज ए कल्चरली वैसे ही हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, वेस्ट की चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें जो है ना हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। जो सैटेलाइट तो कम्युनिकेशन थी, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो था अब सब कुछ दुनिया को पता चल जाता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान को भी जो पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ हो चुका था। न्यू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और डिश एंटीना बड़े कॉमन हो चुके थे पाकिस्तान में, तो फिर गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया था कि अब उनसे फैक्ट्स और फिगर्स छुपाना कि क्या सच क्या है क्या नहीं है। और फिर गवर्नमेंट ने जो चेंज फेल्ट ऑल्सो फेल्ट द चेंज, और फिर गवर्नमेंट ने ये सोचना शुरू किया कि फ्रीडम प्रेस को फ्रीडम मिले, और आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गई प्रेस को भी फ्रीडम। पाकिस्तान में जो है ना कभी भी कोई फेवरेबल टाइम नहीं था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। द फैक्ट्स वर ऑलवेज केप्ट हिडन फ्रॉम द पब्लिक, जो फैक्ट्स और फिगर्स थे हमेशा पब्लिक से, जो भी है पब्लिक, उनसे छुपाया जाता था। अयूब खान जो कि पहले रूलर थे, उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिटिकल ग्रोथ के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी ग्रोथ को जो है ना कर्टेल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उन पर काफ़ी सारे ऑर्डिनेंसेज लगा दिए थे, हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ा है। और ये ट्रेंड जो था ना पाकिस्तान में बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए चला, और किसी गवर्नमेंट ने इस इन चेंज को जो ना जो कि प्रेस के ऊपर लगाई थी, इनको ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचा टिल 1988 तक। जो इसी का जो एक एग्जांपल आपको मिलती है कि जो ढाका का जो हमारा फॉल हुआ था, जैसे बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इंक्वायरी रिपोर्ट जब आई ढाका की तो वो 34 ईयर्स के बाद आई, मतलब कि 2005 में वो रिपोर्ट आई, नेम्ड एज हमूद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वॉज पब्लिश्ड आफ्टर 34 ईयर्स। और ये वो भी गवर्नमेंट तो नहीं चाहती थी, ये इंडियन वेबसाइट थी जिसने रिवील किया और इसको पब्लिश कर दिया इंटरनेट पे। तो फिर ये एक ओपन सीक्रेट था, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिकाइज कर दिया इस रिपोर्ट को। एक बेस्ट एग्जांपल है और नेशनल सिनेरियो अफेक्ट्स नेशनल पॉलिसीज़ के, इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जो सिनेरियोज़ होते हैं वो कैसे नेशनल जो कि एक एक कंट्री को की पॉलिसी को कैसे कैसे अफेक्ट करता है। और जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हैं, जो फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो ड्रास्टिकली चेंज हुआ 9/11 की ट्रेजेडी जब हुई US में। मिडल द स्ट्रेन इन रिलेशन वॉज सीन ऑन द इंटरनेशनल हॉरिजन, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन रिलेशन बिकेम स्ट्रेन। फिर इसी तरह ये मिडल ईस्ट और अमेरिकन रिलेशन वर ऑल्सो अंडर ग्रेट स्ट्रेन। फिर जो 9/11 का जो ब्लेम था वो उसामा बिन लादेन पर लगा दिया और तालिबान पर लगा दिया अफगानिस्तान के, तो मिलिट्री ऑप्शन को जो है ऑप्ट किया गया, वो ऑप्शन उनको मद्देनजर रखा गया। अच्छा, मिलिट्री ऑप्शंस को फिर उन्होंने ऑप्ट किया और उन्होंने फिर कहा कि जी ईरान और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के करीब मुल्कों में नेबरहुड में है, तो फिर उन्होंने कहा, फिर US के जो थे ईरान के साथ तो बायलेटरल रिलेशंस नहीं थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान को एज एन ऑप्शन करार दिया कि लास्ट ऑप्शन है कि हम लोग USA के लिए, तो ताकि वो मिलिट्री ऑपरेशन करें अफगानिस्तान में। मुशर्रफ जो थे उस वक्त के प्रेजिडेंट थे, उनसे बात की गई और फिर उनके आंसर्स इन इंफॉर्मेशन उनके US के मुताबिक थे, उनको उन्होंने हेल्प करने के लिए कह दिया कि हम US फोर्सेस को हेल्प करेंगे ताकि वो मिलिट्री ऑपरेशन कर सकें अफगानिस्तान में। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने सही तरीके क्लियरली लिख दिया कि भाई ये तो पाकिस्तानी लोगों के ख़िलाफ़ बात है, हम पाकिस्तानी इस बात को पसंद नहीं कर रहे मुशर्रफ की अफगान इशू पर, जो भी ये मुशर्रफ स्टैंड ले रहे हैं ये गलत ले रहे हैं। कुछ न्यूज़पेपर ने लिखा कि US जो है वो पाकिस्तान का कभी भी रिलायबल फ्रेंड नहीं हो सकता। इन स्टेटमेंट्स के बावजूद मुशर्रफ ने क्या कहा, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा कि जो टेररिज्म है वो कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की जा सकती फ्रॉम इस दुनिया से जब तक कि उसका रूट कॉज ना ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो करूँगा ये काम। तो ये इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट था, ये बात इनकी पॉजिटिविटी में चली गई। बाकी बातें जो ऊपर थी कि ये कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकता और पाकिस्तानी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, ये नेगेटिव थी। तो जो न्यूज़पेपर्स थे वो दोनों, कोई पॉजिटिव छाप रहा था कोई नेगेटिव छाप रहा था,
या कोई दोनों, मतलब दोनों एज अ डिप्लोमैट करके वो छाप रहे थे। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो वेस्टर्न मीडिया पर रिलाई की जाती थी कि क्या वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बात है। तो इराक की जब एक जंग हुई थी तो फिर जो प्राइवेट टीवी चैनल थे फर्स्ट टाइम, और न्यूज़पेपर्स ने अपने वहाँ पे जॉर्डन और सीरिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे इराक के बॉर्डर के पास, ताकि रियल पिक्चर कैप्चर की जाए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट थी पाकिस्तानी मास मीडिया की, ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकें वेस्ट के, वेस्ट तो करता ही था, अब वो पाकिस्तानी मीडिया का टाइम था। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।